हेलो, आई एम आलोक कामराज फ्रॉम भुवनेश्वर और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म गाइड। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको यदि कोई भी वीडियो पसंद आती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी जो जानकारी आ रही है वो टाटा स्काई की तरफ से आई है कि टाटा स्काई ने अपने कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए सोनी का एक चैनल सोनी 6HD जो है वो लॉन्च कर दिया। जिस प्रकार से आपको मैंने परसों वीडियो दी थी इस बारे में कि सोनी 6HD जो है वो टाटा स्काई में लॉन्च किया जाने वाला है और इसके अलावा बाकी सोनी चैनल्स का वाकई में 19 तारीख से आने वाले या नहीं, इसके बारे में आपको उसी दिन मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन आई है तो उसका मतलब यही है कि केवल एक ही स्पोर्ट्स चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है, वो भी रियो बेसिस पे किया गया है। यानी कि यदि वो आपके पैकेज का हिस्सा है तो उसको आप या तो अलाकार्ट में ले सकते हैं या फिर उसको मिस्ड कॉल के जरिए लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो दो कारण है वो यही है कि ये जो है इस चैनल को देखने का आपको मैंने तरीका बता दिया है। दोस्तों, अब बात आती है बाकी सोनी चैनल्स की, क्या वाकई में बाकी सोनी चैनल्स हैं टाटा स्काई में आज से ही आने वाले हैं या नहीं। तो उसको बता देना चाहता हूं कि आज से तो सोनी के चैनल्स वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमें जानकारी आई है तो उसके मतलब यही है कि सोनी और टाटा स्काई के बीच जो एग्रीमेंट है वो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो हमें डेट जारी की थी, जो हमारी पहले 11 नवंबर थी, उसके बाद वह 19 नवंबर हो गई और 19 नवंबर के बाद भी फैसला जो है वो सिर नहीं चढ़ा है, जिसके चलते सोनी के सभी चैनल्स वापस नहीं आए हैं और टाटा स्काई ने केवल एक ही चैनल जो है सोनी का लिया है, वो है सोनी 6HD। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो ये साफ साबित होता है कि अगर सोनी 6HD को टाटा स्काई ले सकता है तो वह बाकी जितने भी चैनल्स हटाए गए हैं उसे भी वह ले सकता है और उसे भी वह ऑन रिक्वेस्ट यानी कि हम मिस्ड कॉल के जरिए लगवा सके वो ऐसे दे सकता है। लेकिन टाटा स्काई जो है वह इस चैनल को नहीं दे रहा है और दूसरी ओर जो है सोनी अभी भी अपने विज्ञापन जो टाटा स्काई के खिलाफ प्रकाशित कर रहा है सभी सोनी चैनल्स पर कि यदि आप अभी भी टाटा स्काई में हमारे सोनी के चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने DTH ऑपरेटर्स को बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे साफ साबित होता है कि एग्रीमेंट जो है वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। यदि फाइनलाइज हो गया होता तो टाटा स्काई जो है वो सभी सोनी के चैनल्स रीएडिट कर देता, वापस से लॉन्च कर देता और सोनी जो चैनल्स हैं वो विज्ञापन टाटा स्काई के खिलाफ जो कर रहे हैं वो दिखाना बंद कर देते। दोस्तों, इससे साफ साबित होता है कि एग्रीमेंट जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, हमें और कुछ समय तक का इंतजार करना होगा। हमें जिस तरीके से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है उसी प्रकार से आपको मैं शेयर करता रहूंगा और जैसे सोनी चैनल हमारे वापस आते हैं तो वो हमारे लिए बेहद खुशखबरी की बात होगी। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से थी। यदि हमें और भी कोई जानकारी आती है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।